Good morning everybody, myself Komal Sahani, Senior Lecturer, CTDM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer, 3rd year, Subject Theory of Fashion, 3rd, Subject Code CD303, Theory and Tutorial, Unit Number 5, Brief Knowledge of the Following, Part one and the Subtopic is 5.1 Fashion Trends. First of all, we are going to go through the key contents and those are introduction, meaning of fashion, definition of fashion, meaning of trend, definition of trend, meaning of fashion trend, definition of fashion trend and importance of trend. Now, now we are going to uh, go through the introduction part a fashion trend is a tendency of the next fashion the trends are influenced by a number of factors example social political economical and cultural as well as the consumer's point of view or emotions as to the term trending it is usually used when we see something being bought by several individuals when this happens it is common knowledge that a large amount of people has agreed on liking the said artifact, making it important for others to acquire one as well. This process happens with a range of object, objects, but the term trend is usually used the most when referring to fashion items. In fashion, every season brings with its new trending items, which are seen in runways. Worn by celebrities as well as by regular people. Trends come and go with the people adhering to them or not. A trend may stay current for one or more seasons and being discussed by in the fashion industry and on the streets. fashion Prachlan kai property राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक से प्रभावित होते हैं साथ ही उपभोक्ता के दृष्टिकोण या भावनाओं से भी प्रभावित होते हैं प्रचलन शब्द के रूप में आमतौर पर इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम कई व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई कोई चीज़ देखते हैं जब ऐसा होता है तो ये सामान्य ज्ञान है की बड़ी मात्रा में लोगों ने उक्त कला को पसंद करने पर सहमति अपनी व्यक्त की है और जिससे दूसरों के लिए भी इसे हासिल करना महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रक्रिया कई प्रकार की वस्तुओं के साथ होती है लेकिन अधिकतर ये फैशन की वस्तुओं का जिक्र करते समय इस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है फैशन में हर मौसम अपने साथ नए प्रचलन वस्तुएं लाता है जो रनवे पे हमें दिखती है सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ नियमित लोगों के द्वारा पहना जाता है प्रचलन आते हैं और जाते हैं और उनका पालन करने वाले लोगों के साथ जो पालन करने वाले लोगों के वे साथ हैं या नहीं एक प्रचलन एक या एक से अधिक मौसम मौसम के लिए चालू रह सकती है और फैशन उद्योग और सड़कों पर इसकी चर्चा की जा सकती है अब हम मीनिंग ऑफ फैशन फैशन और डेफिनेशन ऑफ फैशन के बारे में पढ़ेंगे फैशन का अर्थ अ पॉपुलर और द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ क्लोदिंग हेयर डेकोरेशन और बिहेवियर कपड़े बाल सजावट या व्यवहार की एक लोकप्रिय या नवीनतम शैली फैशन इज अ स्टाइल ऑफ क्लोदिंग और अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज़ पॉपुलर एट अ पर्टिकुलर टाइम फैशन कपड़ों की एक शैली या व्यवहार का एक तरीका है जो किसी विशेष समय में लोकप्रिय है इफ समथिंग इज इन फैशन इट इज पॉपुलर एंड अप्रूव्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम इफ इट इज़ आउट ऑफ फैशन इट इज़ नॉट पॉपुलर और अप्रूव्ड अगर कुछ फैशन में है तो ये एक विशेष समय में लोकप्रिय और स्वीकृत है और यदि वे फैशन से बाहर है तो यह लोकप्रिय या अनुमोदित नहीं है अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फैशन अर्थात फैशन की परिभाषा फैशन इज अ पॉपुलर एस्थेटिक एक्सप्रेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस एंड इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट स्पेशली इनक्लोदिंग फुटवेयर लाइफ स्टाइलरीज मेकअप हेयर स्टाइल एंड बॉडी प्रपोशन फैशन एक विशेष समय और स्थान पर और एक विशिष्ट संदर्भ में विशेष रूप से कपड़े जूते जीवन शैली सामान मेकअप केश और शरीर के अनुपात में एक लोकप्रिय सौंदर्य अभिव्यक्त फैशन इज अ डिस्टिंक्टिव एंड इंडस्ट्री सपोर्टेड एक्सप्रेशन ट्रेडिशनली टायड टू दी फैशन सीजन एंड कलेक्शंस फैशन एक विशिष्ट और उद्योग समर्थित अभिव्यक्ति है जो पारंपरिक रूप से फैशन के मौसम और संग्रह से जुड़ी है अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेंड ट्रेंड ऑफेंट को नोटेटिक एक्सप्रेशन लास्टिंग अभिव्यक्ति को दर्शाता है या दर्शाती है और अक्सर एक मौसम की तुलना में ये कम होती है अर्थात ये कि जो ट्रेंड है वो एक सीजन भी कई बार नहीं चलता है यानी एक मौसम तक भी ट्रेंड का प्रचलन जो है प्रचलन जो है वो एक मौसम तक भी नहीं होता है एज डिस्क्राइब बाय वेजल गार्ड टू थाउजेंड सेवन में उन्होंने किया था द वर्ड ट्रेंड रेफर्स टू एन एब्रप्ट चेंज इन टेस्ट सच एज एज अ शिफ्ट experienced when कंज्यूमर्स बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ क्लोदिंग इन दिस सेंस It seems important to fashion practitioners to understand why some dress choices are simply forgotten while others are embraced by people, developing into a popular fashion trend. In the present research, the wearing of clothes is understood as dress, which can then become fashion. इफ दो आइटम्स ऑफ ड्रेस आर इम्ब्रेस्ड बाई सोसाइटी एट लार्ज फॉर सेट पीरियड ऑफ टाइम जैसा कि वेजल गार टू थाउजेंड सेवन में द्वारा वर्णित है कि शब्द का वर्णित है कि शब्द का जो प्रचलन है पसंद में अचानक बदलाव को संदर्भित करता है जैसे कि बदलाव का अनुभव जब उपभोक्ताओं को कपड़े के एक विशिष्ट वस्तु में बहुत रुचि हो जाती है इस अर्थ में फैशन चिकित्सकों को यह समझना महत्वपूर्ण है कि कुछ पोशाक विकल्पों को केवल क्यों भुला दिया जाता है जबकि अन्य लोगों द्वारा उसे गले लगाया जाता है एक लोकप्रिय फैशन प्रचलन में विकसित होता है वर्तमान शोध में कपड़े पहनने को पोशाक के रूप में समझा जाता है जो तब फैशन बन सकता है यदि पोशाक के उन सामानों को समाज द्वारा एक निर्धारित अवधि के लिए बड़े पैमाने पर गले लगाया जाता है या उसको एम्ब्रेस किया जाता है डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड प्रचलन की परिभाषा अ जनरल डायरेक्शन अ प्रिवेलिंग टेंडेंसी और इंक्लिनेशन इन विच समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग एक सामान्य दिशा एक प्रचलित प्रचलन या झुकाव जिसमें कुछ विकसित या बदल रहा है द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेंड इज अ जनरल डायरेक्शन और समथिंग पॉपुलर एक प्रचलन की परिभाषा एक सामान्य दिशा या कुछ लोकप्रिय है अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फैशन ट्रेंड अब हमने क्या किया है यहाँ पर दोनों शब्दों को पहले हमने समझने का प्रयास किया है कि फैशन क्या होता है और ट्रेंड क्या होता है अब हम इन दोनों शब्दों को एक साथ कंबाइन करके इसके अर्थ और इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे तो इसलिए हम फैशन प्रचलन का अर्थ क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं अब फैशन ट्रेंड इज अ पर्टिकुलर स्टाइल और क्लोदिंग पॉपुलर एट अ सर्टिन पॉइंट ऑफ टाइम और अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एक फैशन प्रचलन एक विशेष शैली है जो एक निश्चित समय या एक विशेष अवधि में लोकप्रिय कपड़े होते हैं अब आते हैं हम फैशन ट्रेंड की परिभाषा पर अर्थात डेफिनेशन ऑफ फैशन ट्रेंड। डायरेक्शन इन इन विच फैशन इज मूविंग तो अधिकतर क्या होता है जो फैशन ट्रेंड का मतलब होता है कि किस जिस दिशा में हमारा फैशन मूव करता है वही हमारा फैशन ट्रेंड होता है सो तो एक दिशा जिसमें फ़ैशन बढ़ रहा है ये कहलाता है हमारा फैशन जो फैशन ट्रेंड की जो गति होती है वो कभी तेज हो सकती है और कभी धीमी भी हो सकती है ये इसका इसको हम आ, रिलेट करते हैं अधिकतर रिवर से रिवर यानी नदी से नदी क्या होती है कभी धीरे चलती है और कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी हो जाती है तो फैशन ट्रेंड में भी यही होता है कि कभी वे बहुत धीरे होता है चलता है और कभी वो बहुत ही अधिक तूफ़ानी हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसे कारक होते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फैशन ट्रेंड को क्या करते हैं एसलोरेट भी करते हैं और रिटार्ड भी करते हैं एसलोरेटिंग को यानी कि गति प्रदान भी करते हैं और या उसकी गति को धीमा करने का प्रयास भी करते हैं तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम हमारी आगे वाले वीडियोस में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे अ ट्रेंड इज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ अ मार्केट और एन एसिड्स प्राइस इन टेक्निकल एनालिसिस ट्रेंड्स आर आइडेंटिफाइड बाय ट्रेंड लाइंस और प्राइस एक्शन एक प्रचलन एक बाज़ार की समग्र दिशा या एक परिसंपत्ति की कीमत है तकनीकी विश्लेषण में प्रचलन श्रृंखला या मूल्य क्रिया द्वारा प्रचलन की पहचान की जाती है क्योंकि तो जब कोई भी चीज़ ट्रेंड में होती है जो उसकी कॉस्ट होती है वो बहुत ही अधिक हाई हो जाती है ठीक है और जैसे जैसे ये जो इसकी गति में जैसी परिवर्तन आने लगता है जब फैशन ट्रेंड से कोई चीज़ हटने लगती है तो उसकी जो कॉस्ट होती है हम वो भी देखते हैं कि वो कम होती जाती है अ ट्रेंड इज अ जनरल डायरेक्शन इन टू विच समथिंग इज चेंजिंग डेवलपिंग और वियरिंग टू वर्ड्स द टर्म में ऑल्सो मीन अ फैशन और क्रेज दैट इज अ फैट द वर्ब टू ट्रेंड मीन्स टू डेवलप और चेंज इन अ जनरल डायरेक्शन एक प्रचलन एक सामान्य दिशा है जिसमें कुछ बदल रहा है विकसित हो रहा है या बढ़ रहा है शब्द का अर्थ फैशन या सनक भी हो सकता है अर्थात एक सनक क्रिया प्रचलन का अर्थ सामान्य दिशा में विकास या परिवर्तन करना है ट्रेंड इज हाईलाइट वेन द प्राइज इज मेकिंग हायर एंड हायर फॉर एंड अप ट्रेंड और लोअर स्विंग्स लोज एंड लोअर स्विंग हाई फॉर अ डाउन ट्रेंड मैं एक बार वापिस से देख बताती हूँ आपको अ ट्रेंड इज अट व प्राइज इज मेकिंग हायर एंड हायर फॉर एंड अप ट्रेंड और लोअर स्विंग्स लोज एंड लोअर स्विंग्स हाई फॉर अ डाउन ट्रेंड प्रचलन उस समय उजागर करते हैं जब कीमत एक उच्च प्रचलन उच्च और उच्चतर होती है या एक नीचे प्रचलन के लिए निचला अस्थिरता ले में नीचे की ओर और, और निचला अस्थिरता ले में उच्च की ओर होते हैं तो इसको इसी तरह से हम ये समझेंगे कि जब अप ट्रेंड्स होता है तो जो प्राइस होता है वो हाई और हायर हो जाता है यानी ऊपर से ऊपर होता है और अधिक ऊपर होने का देखा जा सकता है ट्रेंड में जब अप ट्रेंड होता है यानी जब ट्रेंड जो है हमारा ऊपर होता है और जब हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है यानी नीचे ट्रेंड होने लगता है यानी उसमें डाउनफॉल आता है तो प्राइस जो होता है वो हमारा लोअर से नीचे से और नीचे होने लग जाता है या लोअर स्विंग्स हाई हो जाता है अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेंड्स यानी प्रचलन का महत्व ट्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, दे आर अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्रेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड अलाउ अस टू कनेक्ट विद पीपल इन दिस वेरी मोमेंट प्रचलन महत्वपूर्ण है वे प्रगति और प्रयोग का एक दस्तावेज है और हमें इस क्षण में लोगों से जुड़ने की अनुमति देते हैं ट्रेंड कैन बी लेवरेज्ड To reach very specific demographics रीच वेरी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स मोर at टाइमलेसनेस कला अतीतता के किसी भी प्रयास की तुलना में बहुत विशिष्ट की, की तक पहुंचने के लिए प्रचलन का लाभ उठाया जा सकता है ट्रेंड्स इनेबल अस टू केटर टू द करंट नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ अ ऑडियंस प्रचलन हमें हम अपने दर्शकों की वर्तमान ज़रूरतों यानी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरे करने में सक्षम बनाते हैं ट्रेंड्स आर अबाउट रेलिवेंसी एंड वॉट वी केयर अबाउट एज इंडिविजुअल्स आर थिंग्स दैट आर रेलिवेंट टू आस प्रचलन प्रासंगिकता के बारे में है और हम क्या परवाह करते हैं क्योंकि व्यक्ति ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रासंगिक है थैंक यू